हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू बिंस बायोलॉजी इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टॉप टेन क्वेश्चन फ्रॉम प्रोटोजोवा दिस इज द थर्ड वीडियो प्रोटोजोवा सो ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टेलिंट्स सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग युगीना बिलोंग्स टू विच क्लास निम्न में से युगीना किस वर्ग का है इसके लिए ऑप्शन ए है एक्टिनोपोडा ऑप्शन बी राइजोपोडा ऑप्शन सी जोमेस्टिगोफोरा एंड ऑप्शन डी फाइटोमेस्टिगोफोरा ये क्वेश्चन डिजिटी बायोलॉजी 2021 में पूछा गया था अभी ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फाइटोमेस्टिगोफोरा यूगलिना फाइडोमैस्टिगोफोरा क्लास से बिलोंग करता है क्वेश्चन नंबर टू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूगलिना इज कंपोज ऑफ ऑप्शन ए क्लोरोफिल ऑप्शन बी क्लोरोफिल बी ऑप्शन सी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एंड ऑप्शन डी क्लोरोफिल ए बी एंड बीटा कैरोटीन। ये क्वेश्चन डिजिटी बायोलॉजी 2016 में पूछा था तो चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल ए बी एंड बीटा कैरोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वैक्यूल इज प्रजेंट इन इसके लिए ऑप्शन ए है अमीबा ऑप्शन बी पैरामीशियम ऑप्शन सी योगलिना एंड ऑप्शन डी आल ऑफ दीज ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी उन्नीस सौ निन्यानवे में पूछा था तो चलिए इसका आंसर बताइए चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आल ऑफ दीज कंटेक्टाइल वैक्यूल अमीबा पैरामीशियम और यूगलिना सभी में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कास्ड बाई ऑप्शन ए एंट अमीबा ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम ऑप्शन सी लिस्मानिया एंड ऑप्शन डी ट्रिपेनोसोमा ये क्वेश्चन डिजिटी बायोलॉजी दो हज़ार दो में पूछा था तो चलिए इसका आंसर बताइए अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्रिपेनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है मनुष्य में क्वेश्चन नंबर फाइव द इंफेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वायवेक्स इज नोन एज ऑप्शन ए एसिस्ट ऑप्शन बी स्पोरोजॉइट ऑप्शन सी साइजोन्ट एंड ऑप्शन डी मीरोजॉइट ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव स्टेज होता है स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम का वायु वैक्स का क्वेश्चन नंबर सिक्स साइज आएगी कंडीशन इज फाउंड इन ऑप्शन ए अर्थ ऑप्शन बी काक्रोच ऑप्शन सी पैरामीशियम एंड ऑप्शन डी ग्रेगेरिना ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2003 में mm -hmm. पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेगेरिना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेन द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोवा इज ऑप्शन ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑप्शन बी शेप ऑफ ए सेलुलर बॉडी ऑप्शन सी लोकोमोटरी ऑर्गनेल्स एंड ऑप्शन डी साइज ऑफ बॉडी ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी दो हजार पाँच में पूछा था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट बायोलिसेंस इज एग्जहबिटेड बाई ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम ऑप्शन बी पैरामीसियम ऑप्शन सी टोक्सोप्लाज्मा। एंड ऑप्शन डी सीरेटियम। ये क्वेश्चन डिजिटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया था तो इसका आंसर बताइए आप लोग चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिडेटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन मूड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज ऑप्शन ए एंथोजोइक ऑप्शन बी सेप्रोजोइक ऑप्शन सी होलोफाइटिक एंड ऑप्शन डी होलोजोइक ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होलोजोइक पैरामीशियम में होलोजोइक मूड ऑफ फूड इंटेक पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन सेरिब्रल मलेरिया इज कास्ड बाय ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम मलेरी ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम ओवेल एंड ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम वाईवैक्स ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया था तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए कमेंट्स करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद